हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का देखने वाले हैं लेक्चर नंबर फाइव, जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जीवन चक्र, जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में बहुत कुछ चीजें आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, या फिर जूलॉजी किसी भी टॉपिक को अगर आप लायन बैच के नाम से सर्च करोगे, किसी भी चैप्टर को आप लायन बैच के नाम से सर्च करोगे, नॉलेज अड्डा के नाम से सर्च करोगे, तो आपके चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर के लाइन से सारे वीडियो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल करके रखा हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक, वहां पर जाकर के आप लोग सारे वीडियो लाइन से देख सकते हो बीएससी जूलॉजी थर्ड ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वेरी इजी टॉपिक, जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि आखिर ये क्या होते हैं। सेकंड नंबर में हम लोग इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे, मतलब वर्गीकृत स्थान देखेंगे कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। थर्ड नंबर में हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे, उसके आकारिकी के बारे में देखेंगे। चौथे नंबर में हम लोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का लाइफ साइकिल देखेंगे, मतलब उसका जीवन चक्र देखेंगे। पांचवें नंबर में हम लोग इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती है वो हम लोग देखेंगे, और छठवें नंबर में हम लोग इसका उपचार देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये सारी चीजों को आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं गाइस, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग एंट अमीबा का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, जो एंट अमीबा होते हैं वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआ है जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। आज जो हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, मतलब एक प्रकार के ये पैथोजेंस होते हैं, रोगजनक होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर माइक्रोस्कोप में जब हम लोग एंट अमीबा को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। हालांकि जो इसका स्पष्ट डायग्राम है लेवल के साथ, तो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी। तो ये एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, और इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये एक कोशिकीय होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल की इसकी एक संरचना होती है, ठीक है। अब देखो, एंट अमीबा में बहुत सारी जातियां पाई जाती है, लेकिन जो सबसे खतरनाक होता है, जो सबसे हमारे शरीर के लिए जो सबसे हानिकारक होता है, और जिस उसकी जाति के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका लिटिका होता है वो काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं मनुष्य के शरीर के लिए, और ये अपना जो पूरा जीवन चक्र है, जो अपना लाइफ साइकिल है, अपना जीवन यापन है, मनुष्य के शरीर के अंदर ही रह करके ये पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार के परजीवी होते हैं, मीन्स पैरासाइट होते हैं। तो परजीवी उस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर, मतलब किसी होस्ट सेल के ऊपर रह करके अपना जीवन यापन जो है वो पूरा करते हैं। और मेनली देखा जाए तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो मनुष्य के जो पेट वाला एरिया है, मतलब जो एब्डोमेन वाला एरिया है, वहां पर ये अटैक करता है। मतलब मनुष्य के जो इंटेस्टाइन है, मतलब जो आंत है, अमाशय है, लीवर है, पैंक्रियाज है, या फिर स्प्लीन, मतलब पेट के जितने भी ऑर्गन है उसमें कहीं पर भी जाकर के ये अटैक कर सकते हैं, और इसके बाद कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती है, जो कि मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी। तो कहने का मतलब है कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं तो काफी ज्यादा मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अब सवाल ये है गाइस कि आखिर ये हमारे शरीर में पहुंचते कैसे हैं, किस माध्यम से शरीर में पहुंचते हैं। तो जो घरों में घूमने वाली जो मक्खियां होती है, जो कीट पतंगे होती है, वो इनका संचरण करती है। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होते हैं वो हमेशा गंदे स्थानों पर पाए जाते हैं, जहां पर कूड़े करकट है, जहां पर गंदगी है, जहां पर ठीक से साफ सफाई नहीं है, उस जगह पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ है वो पाए जाते हैं। तो जरूरी ये है कि अगर हमसे इनसे बच के रहना है तो हमेशा साफ सुथरा घरों को हमको स्वच्छ करके रखना चाहिए, और जितने भी कीड़े मकोड़े मक्खी वगैरह है उनको घर से जो है वो दूर भगाना चाहिए। अब सवाल ये आता है, कई बार गंदे पानी पीने से भी, मतलब जो हम पानी पी रहे हैं अगर उसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ है तो भी हमारे शरीर में वो खाने और पीने के माध्यम से भी वो क्या कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। इवन मल मूत्र के माध्यम से भी वो क्या करते हैं, शरीर में एंटर करते हैं। अगर किसी इंसान को प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन लगा हुआ है, अगर उसका जो मल मूत्र है अगर वहां पे मक्खी बैठकर आपके खाने पे आ गए, तो उससे भी प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी गंदगी वाले एरिया है उसी पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं,
अपना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को इसका वर्गीकृत स्थान बता देती हूँ, मतलब सिस्टमेटिक पोजीशन बता देती हूँ। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो मैं बताई इंट्रोडक्शन, वो सब पहले इसके बारे में लिखना है, 4-5 पॉइंट। उसके बाद हम लोग इसका सिस्टमेटिक पोजिशन देख लेते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका जो संघ होता है, मीन्स इसका जो फाइलम होता है, वो प्रोटोजोआ है, मतलब प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो आते हैं, है ना, एक प्रकार के प्रोटोजोअंस होते हैं। उपसंग की बात करें, सब फाइलम की बात करें, तो ये प्लाज्मोड्रेमा सब फाइलम के अंतर्गत आते हैं। देन अगर हम लोग इसके क्लास की बात करें, वर्ग की बात करें, तो सार्कोडिना वर्ग के अंतर्गत एंटामीबा हिस्टोलिटिका को रखा गया है। सब क्लास की बात करें, मतलब उपवर्ग की बात करें, तो हाइड्रोलिया है। एंड गण की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो अमीबाइडा है। और जीनस की बात करें, वंश की बात करें, तो एंटामीबा है। और एंटामीबा के बहुत सारी जातियां हैं और उसमें से एक जाति होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर हुआ? तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में एंटामीबा हिस्टोलिटिका का लाइफ साइकिल आता है तो ये पूरा आपको आपके एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये अच्छे से याद कर लेना, हमेशा काम आएगा आप लोगों के। याद है, क्लियर हुआ आपको? अब चलिए इंट्रोडक्शन देख लिए, सिस्टमेटिक पोजीशन देख लिए, अब हम लोग इसके आकारिकी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, एक चीज बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जो एंटामीबा होते हैं, मतलब एंटामीबा हिस्टोलिटिका होते हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, उनमें 3 प्रकार की मॉर्फोलॉजी पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो उनका आकार है वो उनके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग उनके जो मॉर्फोलॉजी है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपका ट्रोफोजाइट, तो ट्रोफोजाइट स्टेज में वो कैसे दिखते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है, उनकी आकारिकी मतलब कैसे होती है, वो मैं आप लोगों को भी डायग्राम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी। देन सेकंड नंबर का उनका स्टेज आता है पूर्व पुटी अवस्था, माइन्यूटा स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीसिस्टिक स्टेज और माइन्यूटा। थर्ड नंबर में आता है पुटी अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्ट स्टेज। तो ये तीनों को हमको अलग अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप जब भी नोट्स बनाओगे, खैर मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है, आप लोग जा करके वीडियो के जब लास्ट में आप जाओगे तो वहां पे आप लोग देख सकते हो। तो अलग अलग स्टेज को हम लोग विथ डायग्राम समझेंगे। बट एक चीज बता दूंगा, मैं नोट्स में डायग्राम नहीं बनाई हूं, तो जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी उसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते जाना है। अलग अलग स्टेज का मैं डायग्राम आप लोगों को बताते जाऊंगी, है ना। तो जो मैं डायग्राम यहाँ पर बनाई हूँ उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। खैर, जो बुक में जो डायग्राम है वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखा दूंगी, उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट ये काफी अच्छा डायग्राम मैंने यहाँ पर इसे बनाया हुआ है, तो आप लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से। तो चलिए, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। तो देखिए, सब बात करते हैं हम लोग इसके ट्रोफोजाइट स्टेज की। तो ये जो आपका ट्रोफोजाइट स्टेज होता है वो एक वृद्धि करने वाली अवस्था होती है। कहने का मतलब है कि ये वह स्टेज होता है जब ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है वो फीडिंग करते हैं, मतलब भोज्य पदार्थों को ये ग्रहण करते हैं। और जब एंटामीबा हिस्टोलिटिका इस स्टेज में आता है, जब उनकी जो आकारिकी है जब इस तरीके से होती है, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि पेट में अल्सर होते हैं ना, पेट में सुने हो गए आप लोग, पेट में छाले पड़ गए हैं, पेट में अल्सर हो गया है, पेट में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सब क्यों होता है? इसी के कारण तो होता है। जब एंटामीबा हिस्टोलिटिका अपने इस विकराल रूप में आते हैं तभी शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। और ये जो इनका आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इनका एक फाइनल स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो देखिए, जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका के अगर हम ट्रोफोजाइट स्टेज के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो मैं इसका साइज बता देती हूँ कि इनका साइज कितना होता है इस स्टेज में आने के बाद। 20 μm से लेकर के 30 μm तक एक एवरेज इसका साइज हो सकता है ना। अब चलिए, अगर हम लोग इसके कोशिका द्रव्य की बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें, तो इस स्टेज में इनका साइटोप्लाज्म 2 भागों में बढ़ जाता है। कैसे कैसे 2 भागों में बढ़ जाता है? सबसे पहला होता है एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। तो देखिए, सबसे पहले एक्टोप्लाज्म में क्या होगा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म मतलब जो कोशिका द्रव्य है उसका बाहरी वाला हिस्सा होगा, मतलब ये वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हो ना, ये पूरा हिस्सा देख रहे हो जो बाहर में, ये वाला जो हिस्सा होगा वो पूरा आपका क्या कहलाएगा? एक्टोप्लाज्म कहलाएगा। क्लियर होगा इस आपको? तो एक्टोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य होता है, एक्टोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होता है, वो काफी ज्यादा स्वच्छ होता है, मतलब क्लियर होता है। उसमें कुछ भी नहीं पाए जाते हैं, थोड़े बहुत कुछ सब्सटेंस पाए जाते होंगे, बट उतना ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसके एंडोडर्म की बात, एंडोप्लाज्म की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म कौन सा वाला हिस्सा हो गया? ये जो ग्रीन कलर का मैंने किया हुआ ना,
एंडोप्लाज्म ये वाला हिस्सा हुआ, और जितने भी न्यूक्लियस है, आरबीसी है, जो भी फूड इंजेस्ट है, सब चीज वो इंडोप्लाज्म में ही पाया जाता है, एंडोप्लाज्म में ही पाया जाता है, जबकि जो हमारा एक्टोप्लाज्म होता है उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता। तो जो बाहरी वाला हिस्सा होगा कोशिका द्रव्य का वो एक्टोप्लाज्म कहलाएगा, और जो अंदर वाला हिस्सा होगा कोशिका द्रव्य का वो इंडोप्लाज्म कहलाएगा। ये दो चीज को आपको अच्छे से समझना है और आपको अपने नोट्स में इसको लिखना भी है, ठीक है। तो क्या बताई मैं कि जो ट्रोफोजाइट स्टेज में जब एंटेरोमियल हिस्टोलिटिका का होता है, तो उसका जो कोशिका द्रव्य होता है, मतलब जो उसका साइटोप्लाज्म होता है, वो दो भागों में विभाजित रहता है, पहला एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। समझ आया आप लोगों को? अब देखिए, एंडोप्लाज्म में बहुत सारे चीजें हमको देखने को मिलती है। पहली से चीजें होती है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। यहाँ पे आप व्हाइट कलर का देख रहे हो, केंद्रक बीच में, मैंने इसे व्हाइट कलर से ड्रॉ किया हुआ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं ना। तो क्योंकि यूनिसेलुलर है तो इसमें स्वच्छ केंद्रक यहाँ पर पाया जाता है। केंद्रक में एक केंद्रक के सेंटर में, मतलब केंद्रक के बीच में एक डॉट होता है, ब्लैक कलर का आप डॉट देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोसोम बोलते हैं। अगर मैं इसके साइज की बात करूं, केंद्रक के साइज की बात करूं, तो इनके केंद्रक का साइज छोटा होता है, 4 से 6 μm तक हो सकता है। मतलब आप देख सकते हो इसका साइज कितना है, 20 से 30 μm है, और केंद्रक का साइज होता है 4 से 6 μm, ठीक। केंद्रक के बाहर में एक विशेष प्रकार का झिल्ली पाया जाता है, जो कि केंद्रक को कवर करके रखा होता, कवर करके रखे होते हैं, मतलब न्यूक्लियस को चारों ओर से कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर केंद्रक के चारों ओर की जो झिल्ली होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोसोम, और ये है आपका न्यूक्लियस। इसके अलावा जो आपका एंडोप्लाज्म है उसमें कई प्रकार के लाल रक्त कोशिकाएं भी पाई जाती, मतलब आरबीसी वगैरह भी पाई जाती है, और इंजेस्टेड फूड वगैरह भी पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये फूड ग्रहण करने वाली स्टेज है, तो जितनी भी चीजें हैं वो सारे आपके इंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये जितना मैं कर रही हूँ वो क्या है, आपका इंडोप्लाज्म है, और जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है। क्लियर हो गया इस आपको ये डायग्राम? तो आई थिंक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रोफोजॉइट स्टेज हुआ। अब चलिए सेकंड नंबर का स्टेज आता है हमारा माइन्यूटा स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीसिस्टिक स्टेज, है ना। तो पहला वाला तो आप लोग देख लिए ट्रोफोजाइट वाला, तो जो प्रीसिस्टिक स्टेज होता है वो भी ट्रोफोजाइट के ही समान होता है, बट उसमें कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंजेस तो ये कि ट्रोफोजाइट का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जो प्रीसिस्टिक स्टेज में जब वो आता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। देखो यहाँ पे इसका जो एवरेज साइज रहेगा वो ओनली 10 μm से 20 μm तक होता है। सेकेंड चीज ये कि ये नॉन फीडिंग होता है, जैसे आप लोग ट्रोफोजाइट में देखे थे ना कि वो भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर रहे थे, बट जब एंटामीबा इस वाली स्टेज में आता है तो यहाँ पर कोई भी फूड को ये इंजेस्ट नहीं करते हैं, भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब ये एक प्रकार का नॉन फीडिंग स्टेज होता है। थर्ड चीज ये कि ये कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। अगर एंटामीबा हिस्टोलिटिका इस स्टेज में है तो वो शरीर में जो इंटेस्टाइन है वो वहां पर केवल वो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो कोई भी इन्फेक्शन वगैरह पैदा नहीं करते हैं, मतलब वो उनका प्रीसिस्टिक स्टेज होता है, मतलब वहां पे वो कोई भी इन्फेक्शन पैदा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो ट्रोफोजाइट स्टेज में आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन पैदा करेंगे। तो इस स्टेज में वैसे ही कुछ भी इन्फेक्शन पैदा नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जैसे उसमें एक्टोप्लाज्म इंडोप्लाज्म था, उसमें भी यही सेम रहता है, इसका भी जो कोशिका द्रव्य होता है वो दो भाग में बटा रहता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, है ना। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, इसमें कोई भी आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना ही कोई इंजेस्टेड फूड प्रेजेंट होते हैं, मतलब कोई भी भोज्य पदार्थ भी इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो दोनों में बस यही फर्क होता है प्रीसिस्टिक स्टेज में। क्लियर हो गया इसे आपको? तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आप लोगों को सिस्टिक स्टेज भी बता दूंगी। चलिए गाइस अब हम लोग सिस्टिक स्टेज के बारे में देख लेते हैं। एक चीज और कहना चाहती हूँ, जो भी इसका हिंदी नाम वगैरह है ना, मैं नोट्स में लिखी हुई हूँ, सो आप लोग कंफ्यूज मत होना, है ना। और एक चीज और है कि अगर आप नोट्स, अगर आप डायग्राम बनाते हो तो कलरफुल पेन यूज कर सकते हो, है ना, कलरफुल पेन अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो डायग्राम बनाने के लिए, बट डायग्राम बनाने का जो प्रैक्टिस है थोड़ा सा फास्ट कर लेना, क्योंकि टाइम नहीं रहता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो सिस्टिक स्टेज का,
तो देखिए सिस्टिक स्टेज में जब एंट अमीबा आता है ना, तो उसका शेप बिल्कुल राउंड शेप का होता है, मतलब गोलाकार का वो हो जाता है। अभी तक आप लोग ट्रोफोजाइट स्टेज भी सिस्टिक स्टेज में देखे थे, कुछ भी आया तिरछा शेप का था, लेकिन जब सिस्टिक स्टेज का आप लोग डायग्राम बनाओगे ना, बिल्कुल राउंड शेप का बनाना है डायग्राम को, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखो सिस्टिक, सबसे पहला मैं बता देती हूँ यूनि न्यूक्लिएट। तो आखिर यूनि न्यूक्लियर सिस्ट क्या है? तो ऐसा सिस्ट जिसमें केवल एक केंद्रक है, तो एक केंद्रक है तो इस वजह से यूनि न्यूक्लिएट है। यहाँ पे देखो केंद्र विभाजन होने के बाद दो केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रक अगर है किसी सिस्ट में तो उसको हम लोग बाई न्यूक्लिएट सिस्ट बोलेंगे। किसी केंद्रक में अगर किसी सिस्ट में अगर चार केंद्रक है तो उसको हम लोग क्वाड्रा न्यूक्लिएट सिस्ट कहेंगे। तो केंद्रकों की संख्या के आधार पर इसका क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। सिस्ट का जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, सिस्ट वॉल भी पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, मतलब इसके बाहरी ही हिस्से में एक दीवार पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और इसमें बहुत सारे क्रोमेटिड की छड़े पाई जाती है, क्रोमेटिड बार जिसको हम लोग कहते हैं, क्रोमेटिड की छड़े पाई जाती है। तो कुछ इस तरीके से होता है सिस्टिक स्टेज। तो गाइस यहाँ पे वैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो भी डायग्राम बनाए हूँ मैं खुद बनाई हूँ, बट इसके बाद मैं आप लोगों को ऐसा डायग्राम भी दिखा दूंगी ना जो बुक में है। खैर जो मैं बनाई हूँ डायग्राम वो भी आप लोग बना सकते हो, है ना। तो आ गया समझ में आप लोगों को तीनों स्टेज। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा ना तो ये पूरे तीनों को क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए हो गया आप लोगों का ये इसका मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इसका एक एक्चुअल डायग्राम दिखा देती हूँ, उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। तो दो मिनट वेट करना, मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ। ये डायग्राम है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। जो मैं बताई ना वही चीज है, बट ये थोड़ा सा इसमें आप लोगों को थोड़ा कंप्यूटराइज वाला मिल जाएगा डायग्राम। तो चलिए गाइस अब हम लोग इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल में आप लोग ये वाला डायग्राम बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैंने नोट्स में नहीं बनाया हुआ है, इसी डायग्राम को आपको बनाना है। वैसे आपके बुक में तो होगा ही ये डायग्राम, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करके एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे सके। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, जो मैंने आप लोगों को मॉर्फोलॉजी बताया ना सेम वही है। अगर आप मॉर्फोलॉजी को समझ गए हो तो इसका आपको लाइफ साइकिल आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो कौन से स्टेज में होते हैं, वो सिस्टिक अवस्था में होते हैं। यहाँ पे देखो सिस्ट वाला जो स्टेज होता है ना, प्री सिस्ट सिस्ट वाला स्टेज होता है, उसी स्टेज में वो किसी शरीर में किसी होस्ट में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए घर में बहुत सारी मक्खियां हैं, कोई गंदा जगह है, उसके माध्यम से वो हमारे खाने पीने की चीजों में अगर मक्खी वगैरह बैठा है उसके माध्यम से हमारे शरीर में क्या कर लेते हैं, वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रवेश कर जाते हैं। जैसे वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं स्टमक से होते हुए हमारे इंटेस्टाइन तक आते हैं, हमारी आंत में आते हैं, है ना। और जैसे ही वो आंत में आते हैं, जैसे वो इंटेस्टाइन में आते हैं, वो अपना जो भी केंद्रक विभाजन है या फिर जो भी सेल डिवीजन वगैरह है, जो भी अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वहां पे वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे शरीर में वो कब एंटर किया हुआ है, जब वो सिस्ट अवस्था में थे, जब वो सिस्टिक स्टेज में थे। तो मैंने आप लोगों को सिस्टिक स्टेज में क्या बताया था कि उनमें केंद्रक विभाजन होता है, पहले एक केंद्रक रहता है, फिर दो केंद्रक हो जाता है, फिर चार केंद्रक हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग उसका नाम है देखो बाई न्यूक्लिएट, देन क्वाड्रा न्यूक्लिएट। क्वाड्रा न्यूक्लिएट कब होता है, जब सिस्ट में चार केंद्रक बन जाता है तो उस स्टेज को हम लोग क्वाड्रा न्यूक्लिएट कहते हैं। अब जैसे ही क्वाड्रा न्यूक्लिएट वाला स्टेज आता है उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ से जो भी हमारा केंद्रक है वो क्या होता है, सेल वॉल से बाहर निकल जाता है, मतलब जो सिस्ट का जो वॉल होता है ना, सिस्ट का दीवार होता है, वहां से जो भी केंद्रक है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ही ये केंद्रक यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक जैसे ही ये बाहर निकल जाते हैं केंद्रकों में फिर से विभाजन चालू हो जाता है, केंद्रकों में फिर से विभाजन चालू हो जाता है। और उसमें चार के बाद वो आठ, आठ के बाद सोलह, इस तरीके से वो अपने संख्या में क्या करते जाते हैं, वृद्धि करते जाते हैं। तो जैसे जैसे केंद्रक विभाजन होते जाएगा उतने ही नए नए जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे नए नए, है ना। और इसी तरीके से वो क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। और यही जो छोटे छोटे केंद्रक है वो वृद्धि कर करके ट्रोफोप्लाज्म बना लेते हैं, जो ट्रोफोजॉइट स्टेज बना लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया ना ट्रोफोजॉइट स्टेज, जो कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, वो वाले स्टेज में आ जाते हैं।
आ रहा है समझ आप लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ? देखो, जब एंट अमीबा हिस्टोरी टीका हमारे शरीर में एंटर करते हैं तब वो सिस्ट अवस्था में होते हैं। जैसे ही सिस्ट अवस्था में वो हमारे इंटेस्टाइन में एंटर कर लिए, अब उनमें क्या होता है, वृद्धि होता है, उनमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होगा ही ना सिस्ट का। तो जैसे ही सिस्ट की जो केंद्रक होती है, जब वो अपने जब चार केंद्रक वाले रूप में आता है सिस्ट, तो वहां से जो उसके चार केंद्रक है वो सेल वॉल से अलग हो जाते हैं। अब उनमें केंद्रक जो हमारा चार केंद्रक था उसमें फिर से विभाजन होना चालू हो जाता है। विभाजन होने के बाद वो 8 then 16 इस तरीके से अपना विभाजन करते जाते हैं। आप समझ सकते हो जितना केंद्रक विभाजन होगा उतने ही नए नए क्या बनते जाएंगे, एंड अमीबा हिस्टोरी टीका बनते जाएंगे। तो धीरे 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 करके इस तरीके से विभाजन कर करके हमारे इंटेस्टाइन में वो अपनी संख्या को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और हर एक जो केंद्रक है वो अपने साइज में वृद्धि करके फिर क्या बना रहे हैं, ट्रोफोजॉइड बना रहे हैं। जो ट्रोफोजॉइड बताई थी ना, जो उनका सबसे विकराल रूप रहता है। और अगर जो अगर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अपने सिस्ट रूप से अगर इस रूप में आ गया, अगर इसका साइज बड़ा हो गया, मतलब ये हमारे शरीर में क्या करेंगे, रोग पैदा करेंगे। शरीर में देखियो ना, कई कई बार अल्सर हो जाता है, कई बार पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार पेचिस दस्त वगैरह होता है, डायरिया वगैरह होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पेट में ही छेद होना चालू हो जाता है, पेट में गैंग्रीन होना चालू हो जाता है। तो ये सब कब होता है, इसी स्टेज में ही होता है, क्योंकि ये फीडिंग स्टेज होता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने वाला स्टेज होता है। तो जो लाइफ साइकिल है गाइस वो कुछ इस तरीके से चलता है। बहुत ही इजी है, अगर आप मॉर्फोलॉजी समझ गए हो तो ये भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैं नोट्स में अच्छे से लिख दी हूँ इसको, वहां पे भी आप लोग जाके डायरेक्ट देख सकते हो, है ना। तो ये डायग्राम आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। डायग्राम बहुत इजी है, जो मैंने मॉर्फोलॉजी बताया ना वही चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले सिस्टिक स्टेज है, इसमें सेल इसमें केंद्र विभाजन वगैरह हुआ, न्यूक्लियस डिवीजन वगैरह हुआ, फिर ये अपना ट्रोफोजॉइट स्टेज बना लेते हैं, फिर देन फ्रीज है ये प्री सिस्टिक फॉर्म में ये क्या कर लेते हैं, आ जाते हैं। क्लियर हो गया इस आप लोगों को, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को और बता रही हूं, अगर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो हमारे इंटेस्टाइन में ही इन्फेक्शन करेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार वो स्टमक तक पहुंच जाते हैं, कई बार वो लीवर तक पहुंच जाते हैं, कई बार वो एनस तक, कई बार सीकम तक, कई बार इलियम तक। मतलब अगर पेट में इन्फेक्शन होता है ना, तो वो हर जगह धीरे धीरे क्या करने लगता है, फैलने लगता है, अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। हमारे शरीर की जो सेल वॉल है, मतलब जो इंटेस्टाइन वगैरह हो गया, स्टमक वगैरह हो गया, सेल वॉल है, सेल वॉल में अंदर घुस घुस करके वो क्या करते हैं, पूरा इन्फेक्शन पैदा करते हैं। और फिर पूरा अल्सर हो गया, गैंग्रीन हो गया, सड़न हो गया पेट में, वो पूरा इन्फेक्शन इसी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा अच्छे जगह से हमको खाना खाना चाहिए, घरों को थोड़ा सा साफ सफाई रखना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हमारे शरीर में ना हो। क्लियर हो गया इसे आपको, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती है। तो देखो कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती है। सबसे पहला तो पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या होता है, आंतों की झिल्ली का रोग होता है। आंतों की झिल्ली का रोग मतलब शरीर में पेट की जो झिल्ली होती है, पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है, लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। अगर पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। और ये इन्फेक्शन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही होता है, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के कारण ही उस मेम्ब्रेन में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। सेकंड नंबर पे ये गैंग्रीन हो सकता है। गैंग्रीन मतलब क्या होता है, जब हमारे पेट के जो टिश्यू है, जब उत्तक है, जब सड़ना चालू कर देते हैं, जब उसमें ब्लड सप्लाई होना रुक जाता है, तो गैंग्रीन का स्टेज होता है, वो भी इससे हो सकता है। पेट में कई बार फोड़े आ जाते हैं, या फिर फोड़े से पस निकलना चालू हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन चालू हो जाता है। मतलब पूरा मैं लिखी हुई हूँ, पूरा इन्फेक्शन वगैरह इससे हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए, कैसे हम लोग इसके कैसे हम लोग इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अगर हम लोग सबसे पहले मेडिसिन की बात करें, तो एमेटिन, कुछ कुछ मेडिसिन है, मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, कौन कौन सा ड्रग्स इस कंडीशन में दिया जाता है। तो सबसे पहला है आपका एमेटिन ड्रग्स, देन एंटामेजोल, ये सब ड्रग का नाम है। अगर पेट में दर्द है, पेट में इन्फेक्शन है, तो ये सब ड्रग क्या दिया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है आइडोजोल, ये सारी चीजें। ड्रग का नाम और भी मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना, वो सारे ड्रग दिए जाते हैं। सेकंड चीज ये कि हम लोग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं।
प्रिवेंशन ये है कि अगर घर में मक्खी वगैरह कीड़े मकोड़े ज्यादा है तो उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए, मतलब घर में अगर झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो उसमें दवाई वगैरह डाल करके झाड़ू पोछा मारना चाहिए। अगर खुले में मलमूत्र कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, घरों को साफ रखना चाहिए। पानी जो हम पी रहे हैं उसको, अगर किसी का तबियत अगर खराब है तो उसको पानी को उबाल करके देना चाहिए, पानी को कीटनाशी वगैरह का यूज करना चाहिए। और ये सारी चीजें हैं गाइस जिससे आप लोग प्रिवेंशन कर सकते हो। और आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग क्या कर लो, वीडियो का जो नोट्स है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वहां पे मैंने काफी अच्छी चीजें लिखी हुई है, बट डायग्राम नहीं बनाई होगा। ये डायग्राम आप लोग जो मैं दिखाई हूँ उसी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले करके कर लेना है ना। तो चलिए नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इस चैप्टर के बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर नोट्स क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं गाइस तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए ताकि नोट्स आप लोगों को क्लियर दिखाई दे सके। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो नोट्स का पीडीएफ भी आप परचेस कर सकते हो, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाकर के डायरेक्ट नोट्स। आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 6 हम लेकर के आएंगे जल्द ही। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।